बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म गदर के सीक्वल गदर 2 का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साल 2001 में रिलीज हुई यह फिल्म गदर के सीक्वल के लिए फैन को 22 साल का इंतजार करना पड़ा। हालांकि अब फैंस को ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं। इसी बीच गणतंत्र दिवस के मौके पर सनी देओल ने फिल्म गदर 2 से अपना फर्स्ट लुक शेयर किया है। सनी देओल के लुक को देखकर फैंस उतावले हो गए। वहीं सनी देओल के सोशल मीडिया अकाउंट के कमेंट सेक्शन में जमकर प्यार बरसा रहे हैं। आइए देखते हैं फिल्म गदर 2 में सनी देओल का लुक कैसा है। सनी देओल के 26 जनवरी यानी गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम से अपनी अपकमिंग फिल्म गदर 2 से अपना फर्स्ट लुक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में आप देख सकते हैं कि सनी देओल कुर्ता और पजामा पहने हुए हैं और सिर पर पगड़ी नजर आ रही है। वहीं हाथ में हथौड़ा लिए सनी देओल काफी गुस्से में दिख रहे हैं। पोस्टर पर हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखा है। वहीं सनी देओल ने अपने पोस्टर के साथ कैप्शन लिखा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम आपके लिए 2 दशकों बाद भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सीक्वल लेकर आ रहे हैं, गदर 2 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। सनी देओल के फिल्म गदर 2 के फर्स्ट लुक पोस्टर पर फैन ने लिखा, तारा सिंह आ गया है। एक फैन ने लिखा, अब तबाही होगी। एक फैन ने लिखा, फिल्म के रिलीज का इंतजार नहीं कर सकते। एक फैन ने लिखा, ये सबसे बड़ी फिल्म होगी। इस तरह के तमाम यूजर्स ने सनी देओल की फिल्म गदर 2 को लेकर रिएक्शन दिए हैं। अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म गदर 2 में सनी देओल के अलावा अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा भी नजर आएंगे। बताते चले कि फिल्म गदर एक प्रेम कथा साल 2001 में रिलीज हुई थी और इसमें अमीषा पटेल नजर आई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन अनिल शर्मा ने किया है। फिल्म गदर में अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा ने सनी देओल के बेटे का रोल निभाया था।